हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लासेस कैंपस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का हमारा चैप्टर चल रहा है। मैंने आपको उसमें इसमें तीन टाइप करा दी हैं, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं टाइप फोर की ओर, प्रतिस्थापन कोडिंग। टाइप फोर प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है दोस्तों, इससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं और बहुत ही आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है या लॉजिक आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, सीधा मैं क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। क्वेश्चन देखिए पहला, कि यदि बादल को सफेद सफेद को हवा, हवा को नीला, नीले को पानी और पानी को बिजली कहा जाए तो बताइए पक्षी कहां उड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, बादल को सफेद कह रहा है, सफेद को हवा कह रहा है, हवा को नीला कह रहा है, नीला को पानी कह रहा है और पानी को बिजली कह रहा है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे पक्षी, क्या पूछ रहा है, पक्षी कहां उड़ेंगे। यदि आपको पता है कि पक्षी कहां उड़ेंगे, पक्षी कहां उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं, इसमें ऑप्शन आपका हवा में मिलेगा। आपसे पूछ रहा है कि पक्षी कहां उड़ेंगे, आपने लगा दिया हवा, आपने बोल दिया कि हवा में उड़ेंगे, पक्षी तो हवा में उड़ते हैं और आपका ऑप्शन भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन भी है इसमें हवा। अगर आप हवा का ऑप्शन लगाते हैं तो आपका वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना है क्या, भाई यदि बादल को सफेद, सफेद को हवा और हवा को नीला कहा जाए, क्या कह रहा है, हवा को नीला कहा जाए। ठीक है दोस्तों, ये वाली लाइन ध्यान रखनी है कि हवा को किसको क्या कह रहा है। भाई पक्षी हमारे कहां होते हैं, पक्षी हमारे हवा में उड़ते हैं और हवा को क्या कह रहा है, नीला कह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नीला। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी नीला। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और एक नंबर आपका पक्का। ठीक है दोस्तों, छोटा सा कॉन्सेप्ट और एक नंबर आपका पक्का। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, देखिए अगला क्वेश्चन, यदि हवा को पानी पानी को लाल और लाल को पीला, पीला को हरा कहा जाए तो बताइए खून का रंग कैसा होगा। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है आपसे खून का रंग। अब आपको पता है खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है, कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन लाल को क्या कह रहा है, लेकिन लाल को क्या कह रहा है, ये वाली लाइन आप देखिए, लाल को क्या कह रहा है, पीला कह रहा है, क्या कह रहा है, पीला। तो हम यहां पर खून का रंग लाल ना लगाकर क्या लगाएंगे, पीला लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, भाई लाल जो रंग है उसको क्या कह दिया, पीला कह दिया। तो आपका जो आंसर क्या जाएगा, पीला आ जाएगा, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, अब मान लो क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए कि पत्ते का रंग कैसा होगा, पत्ते का रंग कैसा होगा। यदि एक लाइन में अगर यहां बढ़ा दूं, हरे को बैंगनी कह दूं, ठीक है दोस्तों, हरे को बैंगनी कह दूं, पत्ते का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और यदि हरे को मैंने बैंगनी कह दिया तो आप बैंगनी ही लिखेंगे, पत्ते का रंग क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा, हरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पत्ते का रंग क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल, आपकी स्क्रीन पर करने का प्रयास करिएगा। यह कह रहा है यदि रांची को दिल्ली दिल्ली को मुंबई, मुंबई को देहरादून और देहरादून को नागपुर और नागपुर को मेरठ कहा जाए। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है तो गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाए, तो गेटवे ऑफ इंडिया
गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में आपसे पूछ रहा है। आपको बताना है गेटवे ऑफ इंडिया कहां होगा। ठीक है दोस्तों, यदि रांची को दिल्ली कहा जाए, दिल्ली को मुंबई कहा जाए, मुंबई को देहरादून कहा जाए, देहरादून को नागपुर और नागपुर को मेरठ कहा जाए, तो गेटवे ऑफ इंडिया। आपको पता होगा गेटवे ऑफ इंडिया कहां होता है, मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, मुंबई में है। आप यहां ये मत सोचिएगा इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है तो कहां है, मुंबई में है। अब मुंबई को क्या कह रहा है, मुंबई को क्या कह रहा है देखिएगा, मुंबई को देहरादून कह दिया, मुंबई को क्या कह दिया, देहरादून कह दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देहरादून। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, देहरादून, बीस का आंसर है। यदि आपसे मान लो, यदि आपसे पूछ लिया जाता इंडिया गेट के बारे में, इंडिया गेट के बारे में पूछ लिया जाता, तो आपको पता है इंडिया गेट कहां है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहां है, दिल्ली में है, और दिल्ली को क्या कह रहा है, मुंबई। तो इसका आंसर क्या होता, मुंबई होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, क्या होता, मुंबई होता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कैंपटी फॉल कहां है, कैंपटी फॉल आपको पता है देहरादून में है, और देहरादून को आप क्या कह रहे हैं, नागपुर कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देहरादून को क्या कह रहे हैं, नागपुर कह रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं राजधानी से रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, सिटी से रिलेटेड, या सिटी में कोई फेमस जगह है उससे रिलेटेड, कैसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन। ठीक है दोस्तों, कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, किसको पकड़ना है, अपराधियों को पकड़ना है। आपको पता है अपराधियों को कौन पकड़ती है, पुलिस पकड़ती है, कौन, पुलिस पकड़ती है, और पुलिस को क्या कह दिया, शिक्षक। तो जो अपराधी हैं उनको कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के शर्तों के अनुसार जो अपराधी है उसको कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये अकॉर्डिंग ऐसे नहीं चलते तो अपराधी कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। भाई पुलिस तो, पुलिस को क्या कह दिया, शिक्षक कह दिया, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, शिक्षक पकड़ेगा। मान लो यदि आपसे पूछ लिया जाता कि भाई डॉक्टर से रिलेटेड ले दे, डॉक्टर से रिलेटेड, भाई मरीज का इलाज कौन करेगा, पेशेंट का इलाज कौन, ट्रीटमेंट कौन करेगा, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है। पेशेंट को ठीक कौन करता है, डॉक्टर करता है, लेकिन डॉक्टर को क्या कह दिया, वकील कह दिया। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका आंसर वकील। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, वकील। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसका, आपकी स्क्रीन पर करने का प्रयास करिएगा। अगर सड़क को कार, अगर सड़क को कार, कार को रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को स्कूल, और स्कूल को घर, घर को ऑफिस कहा जाए, तो बच्चे अध्ययन करने के लिए कहां जाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट है, जो चिल्ड्रन है, वो अध्ययन करने के लिए कहां जाएंगे। भाई अध्ययन करने के लिए कहां जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में तो जाते हैं, और स्कूल को क्या कह दिया, क्या कह दिया, घर कह दिया इसने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्कूल को क्या कह दिया, घर कह दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर। बच्चे अध्ययन करने कहां जाएंगे, घर पर। ठीक है दोस्तों, जाते कहां थे, स्कूल में, लेकिन स्कूल को क्या कह दिया, घर कह दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमारी जो टाइप है प्रतिस्थापन कोडिंग, ये बहुत ही आसान होती है, और यहां पर हम इसे